भाइयों और बहनों, हमारी सरकार ने बीज से लेकर बाजार तक हर स्तर पर किसानों के हित में भी कदम उठाए हैं। बीते 7 सालों में 1600 से अधिक अच्छी क्वालिटी के बीज तैयार किए गए हैं, जिनमें से अनेक बीज कम पानी में अधिक पैदावार देते हैं। आज बुंदेलखंड की मिट्टी के अनुकूल मोटे अनाज, दलहन और तिलहन पर सरकार विशेष फोकस कर रही है। बीते सालों में दलहन और तिलहन की रिकॉर्ड खरीदी की गई है। हाल में सरसों, मसूर जैसी अनेक दालों के लिए 400 रुपये प्रति क्विंटल तक एमएसपी बढ़ाया गया है। भारत खाने के तेल में आत्मनिर्भर बने, खाने का तेल विदेश से आयात करने के लिए जो हर वर्ष हम 80,000 करोड़ रुपए विदेश भेजते हैं, वो 80,000 करोड़ किसानों के पास जाएं, आपको मिले, देश के किसानों को मिले, इसके लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया है। इसे बुंदेलखंड के किसानों को भी बहुत मदद मिलने वाली है। भाइयों और बहनों, परिवारवादियों की सरकारें किसानों को सिर्फ अभाव में रखना चाहती थी। वो किसानों के नाम से घोषणाएं करते थे, लेकिन किसान तक पाई भी नहीं पहुंचती थी। जबकि पीएम किसान सम्मान निधि से हमने अब तक 1,62,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजे हैं। ये पूरी रकम हर किसान परिवार तक पहुंची है। परिवारवादियों ने तो छोटे किसानों, पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से भी वंचित रखा था। हमारी सरकार ने छोटे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से भी जोड़ने का काम किया है।